जय यीशु। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि आज आप यीशु दरबार की सभा में आदरणीय बाबा जी के द्वारा यीशु मसीह के प्रवचन सुनने जा रहे हैं। हमारी प्रार्थना और आशा है कि आज आप बहुत आशीष पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय यीशु। इस वक्त हम प्रभु के संदेश से देखेंगे यूहन्ना नबी की किताब उसका 5वें अध्याय में एक बहुत बड़ी घटना का जिक्र है। ये बैतसैदा गाँव है, यीशु मसीह यरूशलेम में है और बैतसैदा गांव में एक बैतसैदा बड़ा फेमस विलेज था वहाँ यरूशलेम के पास में, और वहाँ पर एक बैतसैदा का कुंड है। उसमें लोग बीमार और रोगियों को वहाँ पर लाकर डाल देते थे। और उस कुंड की ये खासियत थी कि जैसे ही पानी हिलाया जाता था दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, तो उस पानी में जो कोई कूद जाता था वो चंगा हो जाता था। जो पहले चला जाता था वही चंगा होता था, बाकी लोग चंगे नहीं होते थे। अर्थ ये है कि दिन भर में एक ही आदमी चंगा होता था। उस कुंड में कूदने पर दिन भर में एक ही आदमी चंगा होता था, क्योंकि फरिश्ता उसे हिलाता था, उस पानी को स्वर्गदूत हिलाया करता था उस पानी को। वहीं पर एक व्यक्ति था जो 38 वर्ष से रोगी पड़ा हुआ था चरपाई पर। लिखा है इस बैतसैदा कुंड में 5 ओसारे थे, मतलब वरंडे थे, और वो भरे रहते थे लोगों से, जहां पर बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पड़े रहते थे और पानी हिलने के इंतजार में, क्योंकि किसी नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे, और पानी हिलते ही जो कोई पहले उतर जाता था वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? अब यही व्यक्ति जो 38 साल से पड़ा है, अरे कम से कम 12-13 साल का तो रहा होगा, ये 50 साल से कम नहीं है, ये 50 साल की उम्र से ऊपर का व्यक्ति है, वहाँ पड़ा हुआ 38 साल से बीमार, चरपाई पे पड़ा रहता है, लोग देखते हैं चले जाते हैं, कोई मदद नहीं करता उसकी, ये नहीं करते। हर आदमी स्वार्थी है इस दुनिया में, स्वार्थीपन है दुनिया में, हर आदमी लाइन में लगे रहेंगे, ये भी नहीं देखेंगे कोई बुढ़ा है, कोई दुर्बल व्यक्ति लाइन में लगा हुआ है, उसको आगे कर दें भाई। हम यहाँ से बैठ के बोलते हैं कि अरे भाई बुजुर्ग लोगों को जो दुबले पतले हैं, कमज़ोर हैं, बीमार हैं, उनको आगे करिए लाइन में गवाही के लिए या दुआ कराने के लिए भी, या जो बहनें छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लिए हुए हैं उनको आगे करो, ये हमको बोलना पड़ता है। यहाँ अपने मन में क्यों नहीं आती ये बात, न हमारे काम करने वाले लोगों के मन में आती है यहाँ जो सेवा कर रहे हैं, और न ही उन लोगों के मन में आती है जो यहाँ लाइन में खड़े हुए हैं, क्यों नहीं आती है? क्योंकि हर आदमी स्वार्थी है, सबसे पहले जाना चाहता है। और मैं हर इतवार को बोलता हूँ, हर इतवार को यही बोलता हूँ कि भाई छोटे बच्चों में जो लिए हुए बहनें खड़ी हैं, औरतें खड़ी हैं, उनको आगे भेजो, और जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग आदमी हैं, उन्हें आगे भेजो लाइन में, ताकि वो अपनी गवाही दे सकें, बहुत देर तक उनको खड़े रहने में दिक्कत होगी। अब ये हालत उस ज़माने 2000 साल पहले भी आदमी की प्रवृत्ति, मनुष्य का स्वार्थी नेचर वैसा ही था जो 2000 साल पहले था, वो आज भी है, यीशु दरबार में भी है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वही आदतें हैं आपकी। इन्हीं आदतों के सुधार में, इसी के सच्चे मन फिराव की बात हम यीशु दरबार में करते हैं। जब आपका मन फिर जाएगा तो आपके दिल में सबके प्रति दया आ जाएगी, आप दया और प्रेम से भर जाओगे, क्योंकि पहला मन तो स्वार्थी था, पहला मन, पुराना मन, पुराना नेचर,
पुराना मनुष्यत्व स्वार्थी था, वो केवल मैं की सोचता था, मैं और मेरे बाल बच्चे, मेरा घराना, मुझे मिल जाए बाकी किसी को न मिले, वो पहला वाला मनुष्य था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आता है तो वो पुराना मनुष्यत्व जाता रहता है, आप एक नए मनुष्य बन जाते हो और इस नए मनुष्य की प्रवृत्तियां बदल जाती हैं, इसकी नेचर बदल जाता है, इसका मन बदल जाता है। इसको अगर धर्म कहते हो तो इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। हालेलुया, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। मन परिवर्तन से बड़ा धर्म कोई नहीं। बुराई से त्याग कर भलाई करने वाला धर्म ही सच्चा धर्म है। बुराई को त्यागना और परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। बुराई को त्यागना समझ है। जो व्यक्ति मन फिराए और अपनी बुरी चाल को छोड़ दे, उससे बड़ा धर्मी कोई नहीं है दुनिया में। वही धर्मी है असली, वरना जितने धर्म के ठेकेदार हैं वो महाधर्मी हैं। उनका मन परिवर्तित नहीं हुआ है, उनके हृदय में नफरत है, वो तुम्हें हिंदू मुसलमान ईसाई की निगाह से देखते हैं, मनुष्य की निगाह से कोई नहीं देखता। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, परंतु मनुष्य बन गया ताकि मनुष्यों को मनुष्यों की आंखें से देख सके। ईसाई मुसलमान हिंदू सरदार और यहूदी और जबरूसी, ये सब चीजें नहीं देख रहा है प्रभु। प्रभु केवल मनुष्य देख रहा है और मनुष्य में मनुष्य का जीवन लाना चाहता है। यहां पर यह मनुष्य पड़ा हुआ है, 38 साल से किसी आदमी ने तरस नहीं खाया। जरा सोचिए, 38 वर्ष से, मैं समझ रहा हूं 2000 साल से आज भी आदमी ऐसा ही है, कोई एक दूसरे का ख्याल नहीं करता, कोई किसी दुखी मनुष्य की सहायता करने को खड़ा नहीं होता। ये बड़े दुख की बात है, परंतु कम से कम यीशु दरबार में आने के बाद हमारा मन परिवर्तित हो जाना चाहिए। हमें मनुष्यों से प्रेम करना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है, दया करना चाहिए और वो तरस खाना चाहिए जो परमेश्वर हमारे ऊपर खाता है। यहाँ जो चंगे होते हैं लोग, वो कर्मों से नहीं होते हैं, प्रभु यीशु मसीह की दया से होते हैं, उनके अनुग्रह से चंगे होते हैं। यहाँ कोई जादू टोना और फूका फाकी नहीं होती है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की दया से, उनके अनुग्रह से, उनकी उपस्थिति से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं और लोग चंगे हो जाते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं इस कुंड के पास, सैकड़ों लोग हैं जो चारों तरफ से घेरे हुए हैं कुंड में। यीशु मसीह अकेले आते हैं और इसी 38 वर्ष के रोगी के पास आते हैं, जिस पर किसी ने तरस नहीं खाया। उससे पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये बड़ा अजीब सा सवाल है। वो तो बीमार पड़ा ही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसकी चाहत को पूछना चाहते हैं, तेरी क्या चाहत है? तू तो मांग अपने मुंह से, अपने मुंह से तो बोल, प्रभु से प्रार्थना तो कर, वो तेरी दुआ सुन लेगा। वो इस मनुष्य से पूछ रहा है कि तेरी चाहत क्या है, क्या तू चाहता है कि चंगा हो जा? वो कहता, हाँ प्रभु, मैं तो चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने कहा, उठ और अपनी खाट उठा और चल। फिर उसी घड़ी बाइबल में लिखा है, उसी घड़ी वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। 38 साल का व्यक्ति पड़ा हुआ, किसी ने उस पर तरस नहीं खाया, कोई उस पर तरस नहीं खाया। ऐसा ही हाल है इस दुनिया का, कोई तरस नहीं खा रहा है, लेकिन यीशु मसीह ने उसे चंगा कर दिया, अपने वचन से चंगा कर दिया। आज भी प्रभु यीशु मसीह चंगा वही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन ही चंगा कर रहा है।
वो स्वर्ग से अपने वचन को भेजता है। अब यहाँ पर चंगा करने वाला दिन क्या था? यहाँ पर दिनों का और चांद का, सूरज का और दिन का बहुत बड़ा सवाल था इन यहूदी बुद्धिमान लोगों के सामने। ये फरीसी लोग थे, याजक थे, बड़े बड़े पुजारी थे, बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे। इनके पास हर दिन का ज्ञान था, किस दिन चांद किधर खड़ा होगा, सूरज किधर रहेगा, किस तरफ सूरज की रोशनी फायदेमंद होगी, किधर किस दिन चांद सीधा होगा कि टेढ़ा होगा, किस पर क्या असर पड़ेगा, ये सारी बातें वो लोग जानते थे। कहते थे सबत के दिन चंगा करना बड़ा महापाप है। अरे तुमने शनिवार के दिन चंगा कर दिया, अब तो समझ लो ईश्वर नाराज हो जाएगा, तुमको शनिवार के दिन कुछ नहीं करना चाहिए था। ये फरीसी लोग कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से, ये तो बहुत गलत काम किए हैं। अरे पूरे 6 दिन हैं हफ्ते में, इतवार से लेकर सोमवार तक 6 दिन हैं, अरे शनिवार को तो छोड़ो, इतवार से शुक्रवार तक आप काम करिए, शनिवार को तो मत करिए ये सब काम। प्रभु यीशु मसीह से ये बहस कर रहे हैं। भलाई का काम करने का भी एक दिन है, हर रोज भला काम नहीं कर सकते हो। यीशु दरबार में क्यों भलाई का काम कर रहे हैं आप? अरे कहीं और करिए तो कोई परेशानी नहीं है, यीशु दरबार में भलाई का काम कर रहे हो इसलिए हमें आपत्ति है। ऐसे ही हाल था 2000 साल पहले, सबत का दिन, शनिवार के दिन यीशु ने चंगा कर दिया था, लोग पीछे पड़ गए उसके, कहने लगे तुम शनिवार के दिन, अरे इतवार से लेकर शुक्रवार तक तुम्हारे पास बहुत टाइम है, शनिवार के दिन क्यों करते हो, शनि के दिन तो हमें नहीं करना है कुछ भी, शनिवार के दिन हमारा ईश्वर का दिन है और ईश्वर इससे नाराज हो जाएगा, आप क्यों कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को क्रिटिसाइज करने लगे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम्हारा गधा, बैल, गाय, तुम्हारा कोई जानवर गड्ढे में गिर जाए तो उसे बचाने के लिए शनिवार के दिन उतर के गड्ढे में से नहीं निकालोगे क्या? तो गाय, बैल, भेड़, बकरी, उसे तो तुम निकालने के लिए गड्ढे में घुस जाओगे शनिवार के दिन, लेकिन ये मनुष्य हैं जो परमेश्वर की समानता स्वरूप में बनाए गए हैं, ये बीमार और रोगी हैं, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, अरे इनको चंगा करना क्या उचित नहीं है शनिवार के दिन? यीशु ने एक नई व्यवस्था दी, भलाई करना हर दिन उचित है, भलाई करना हर दिन उचित है, बुराई करना हर दिन अनुचित है। अगर बुराई करोगे तो हर एक दिन खराब है तुम्हारे लिए, और भलाई करोगे हर दिन तुम्हारे लिए अच्छा है, कोई विशेष दिन नहीं है, फिर सारे दिन परमेश्वर के बनाए हुए हैं, इसी में हमें विश्वास रखना है। मेरे प्रियो, 38 साल के इस बीमार रोगी को यीशु ने एक वचन के द्वारा चंगा किया। यीशु ने अपने चेलों से कहा, यूहन्ना के 14 अध्याय उसके 12 पद में कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखेगा वो काम जो मैं करता हूँ, 2000 साल पहले की बात है, वो तुम भी करोगे, वरन मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। यदि तुम मेरे नाम से मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा, ताकि पुत्र के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह अपने लिए महिमा नहीं खोज रहे हैं, वो तो परमेश्वर पिता की महिमा कर रहे हैं और मनुष्यों को अपना अनुग्रह और अपना प्रेम देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, मनुष्यों में अपनी सामर्थ को रिलीज करना चाहते हैं, मनुष्यों में अपना प्रेम बांटना चाहते हैं। परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास करने से हमें अनंत जीवन मिलता है, और ये अनंत जीवन केवल शारीरिक चंगाई नहीं है, ये आत्मा की चंगाई है, आत्मा की शुद्धता है, और ये नया जन्म है, एक नया मनुष्य बनने का जन्म है। शरीर में तो परिवर्तन नहीं आता,
शक्ल सूरत नहीं बदलती, हमारे कपड़े लत्ते का व्यवहार नहीं बदलता, हमारे खाना पीना नहीं बदलता, हमारा रहन सहन नहीं बदलता, हमारा नाम नहीं बदलता, हम जो जिस घर में पैदा हुए हैं वैसे ही रहते हैं, लेकिन कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। जो पुराना मनुष्य था वो अब नहीं रह रहा है। दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया। मिट्टी तो वही है जिससे घड़ा बना है, मिट्टी वही है, अब घड़ा तोड़ के कुल्हड़ बना दिया गया है। ठीक है, घड़ा तोड़ के कुल्हड़ बना दिया गया है, मिट्टी तो वही है, कुम्हार वही है। कुम्हार जो है अपनी मर्जी से बर्तन बनाता है, कुछ बर्तन भले काम के लिए, कुछ बर्तन पवित्र कार्य के लिए, कुछ बर्तन बाथरूम में इस्तेमाल होते हैं, कुछ बर्तन खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ बर्तन कहीं इस्तेमाल होते हैं, बनाने वाला एक ही है। ये सृष्टिकर्ता, ये कुम्हार हमारी जिंदगियों को नया बनाना चाहता है, ये सृष्टिकर्ता हमें एक नई सृष्टि बनाना चाहता है। वो नई सृष्टि कैसी होनी चाहिए? वो नई सृष्टि परमेश्वर के पुत्र की समानता में होनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के समान पवित्रता और प्रेम से भरी हुई सृष्टि है ये, जिसमें जाति है न कोई धर्म है, न कोई रंग है, न कोई रूप है, इसमें एक ही रूप है, ईश्वर का स्वरूप। हालेलुया। केवल एक रूप है, ईश्वर के स्वरूप हो तुम सब, तुम सब ईश्वर के स्वरूप हो और तुम सब परमेश्वर की महिमा के योग्य हो। नई सृष्टि में परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे अंदर उड़ेल देता है। पुरानी सृष्टि में ईश्वर का ईश्वरत्व खत्म हो चुका है, जानवरों से भी बदतर मनुष्य का हाल हो चुका है, वो खून बहाता है जाति और धर्म के नामों पर, वो नफरत रखता है पुराना मनुष्य, वो हर प्रकार के गंदे काम करता है, अशुद्धता और व्यभिचार और दुष्टता और जलनखोरी से, बेईमानी और लोभ और लालच से भरा हुआ मनुष्य है पुराना। लेकिन नया मनुष्य अचानक पूरे तरीके से बदल जाता है, वो प्रेम की आत्मा से भर जाता है, उसके अंदर दया आ जाती है, वो प्रेम करने लगता है। और उतना प्रेम नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत तो कहता है कि तुम अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, नाते रिश्तेदार से प्रेम करो और अपने बैरियों से बैर करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, तब तुम परम प्रधान परमेश्वर की संतान कहलाओगे, जो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है, जो धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना मेह बरसाता है। यदि तुम अपनों को प्यार करते हो, अपनी जाति भाइयों को सलाम दुआ करते हो, तो कौन बड़ा काम करते हो? हर बुरे आदमी ऐसा करते हैं, डाकू और लुटेरे भी ऐसा ही करते हैं, अपनों से प्रेम करते हैं, कोई बड़ा काम नहीं करते। यीशु कह रहे हैं, तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। स्वर्गीय पिता प्रेम में सिद्ध है मेरे प्रियो। परमेश्वर प्रेम है और जिसके हृदय में प्रेम नहीं उसके हृदय में परमेश्वर नहीं है, कतई नहीं। ईश्वर प्रेम है, परमेश्वर से प्रेम का आत्मा मांगिए। बाइबल में लिखा, संत पौलुस कहते हैं रोमियों के 5 अध्याय और 5 पद में कि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया है। यीशु मसीह आज अपना प्रेम हमारे हृदय में डालना चाहते हैं। यदि आपके अंदर प्रेम की कमी है, आप प्रेम नहीं कर सकते हो, तो प्रभु यीशु मसीह से मांगो, वो देगा, उसका वायदा है, वो देगा। क्योंकि मत्ती के 7 अध्याय 7 पद में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, कि जो कोई मांगता उसे मिलता है, जो खटखटाता उसके लिए खोला जाता है। तुम्हारा बच्चा जब तुमसे रोटी मांगे तो तुम पत्थर नहीं देते हो, जब वो अंडा मांगे तो उसे बिच्छू नहीं देते,
जब वो मछली मांगे तो उसे सांप नहीं देते हो, जब तुम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी वस्तुएं देना जानते हो बुरे और पापी मनुष्य होकर, तो सोचो तुम्हारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो पिता तुम्हें भली वस्तुएं, पवित्र आत्मा, प्रेम का आत्मा, चंगाई, छुटकारा, आशीष क्यों नहीं देगा? जरूर देगा, मांगो तो उससे मिलेगा, लेकिन शर्त है उसके बेटे और बेटियां बनने की, क्योंकि इसमें तो सीधा लिखा हुआ है कौन पिता अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना नहीं चाहता। अगर परमेश्वर तुम्हारा पिता नहीं तो वो तुम्हें क्यों देगा? हमें परमेश्वर को अपना पिता बनाना होगा, और पिता बनाने के लिए एक मार्ग है, दस मार्ग नहीं है। बाइबल में साफ लिखा हुआ है, यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, जो कोई पिता के पास जाना चाहता है उसे मेरे ही द्वारा निकलना होगा, मेरे ही द्वारा आना होगा, कोई दूसरा द्वार नहीं है। एक ही मार्ग, एक ही द्वार, एक ही ईश्वर, एक ही मुक्तिदाता, एक ही जीवन है हमारे पास। हमें बार बार जीवन नहीं मिलने का है, इसी जीवन में अनंत जीवन का निर्णय लेना है, इसी जीवन में हमें अपने पिता के पास पहुंचना है, और पिता के पास पहुंचने का मार्ग है यीशु मसीह का मार्ग। उनके द्वारा ही निकलना पड़ेगा, उनसे ही मांगना पड़ेगा। और बाइबल में यह भी लिखा है यूहन्ना के पहले अध्याय 12 पद में, जितनों ने यीशु पर विश्वास किया उसने उन सबको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। जब तुम परमेश्वर की संतान हो गए, तुमने यीशु पर विश्वास किया, तो ये वचन भी तुम्हारे लिए है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कौन पिता अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना नहीं चाहता? जब बुरे होकर तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं दे रहे हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? तंदुरुस्ती क्यों न देगा? बीमारी से छुटकारा क्यों नहीं देगा? खाना पीना, भोजन, कपड़ा लत्ता क्यों नहीं देगा? नौकरी चाकरी क्यों नहीं देगा? काम धंधे पर आशीष क्यों नहीं करेगा? वो हमारा पिता है, पहले तो हमें पिता मानना पड़ेगा उसको, तब आशीषें उसकी मिलेंगी। उस पिता से यीशु मसीह के द्वारा हम आशीषों को प्राप्त करते हैं, अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। वो हमें पवित्र आत्मा देगा, वो परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा उड़ेल देगा। यदि किसी के दिल में घटी है, प्रेम की घटी है, रोग और बीमारियों से ग्रसित हैं, परेशानियों से परेशान हैं, मांगो। यीशु मसीह पर तुमने विश्वास किया है तो उसने तुम्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार भी दे दिया है। यानी यीशु पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दे देते हैं, और जब यह अधिकार हमें मिल गया तो पिता से हम सब कुछ मांग सकते हैं। हालेलुया, जो चाहेंगे मांगेंगे पिता से वो हो जाएगा। आज ऐसा ही होगा दरबार में, जो चाहोगे मांगोगे अपने पिता से, यीशु मसीह के नाम से वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, मांगोगे तो मिलेगा। हम लोग सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, और इस भजन के दौरान आप अपनी आंखों को बंद रखिए और अपना दिल और मन प्रभु यीशु की ओर लगाइए, और कहिए हे प्रभु यीशु, आप मेरे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता हैं। हे प्रभु यीशु, आंखें बंद रखिए, एक हाथ सीने पर रखिए, दूसरा ऊपर उठाइए, बोलिए हे प्रभु यीशु, आज मैं आपको अपना प्रभु, एकमात्र ईश्वर, मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। मुझे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दीजिए, ताकि मैं भी परमेश्वर को अपना पिता कह सकूं। हे पिता, आज मैं जो मांगूंगा वो मिलेगा, आमीन। इस दौरान अपना मन से प्रभु से बात करिए। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा,
उसके वादे पे एतबार करो। जिसके पास औलाद नहीं है वो औलाद मांगे, जिसके पास आंखें देखने को रोशनी नहीं आंखों में हुआ रोशनी मांगे आंखों में, जिसके कान बहरे हैं सुनने के लिए खुल जाए, जिसके चलने में तकलीफ है वो हाथ पैरों में ताकत और बल आ जाए, हर एक गठिया बाई जॉइंट जोड़ जोड़ों से रोग और बीमारियां निकल जाएं, जिसके शरीर में डायबिटीज है ब्लड प्रेशर हृदय रोग है यीशु नासरी के नाम से वो निकल जाए इस घड़ी, सारे श्राप टूट जाएं, बाल बच्चों से बलवंत हो जाएं, जो बहन बेटियां औलादों से आशीषित नहीं है उन्हें औलाद की आशीष मिले, प्रभु तुम्हें मांगेगा तुम्हें मिलेगा, जो मांगोगे मिलेगा, यीशु का वायदा है। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो प्यार करो प्यार करो, खुदा से प्यार करो प्यार करो प्यार करो, वो ही तो राह है सच है वो ही तो जीवन है, वो ही तो राह है सच है वो ही तो जीवन है, वो जिसने रूह जो भेजी है साथ हर पल है, वो जिसने रूह जो भेजी है साथ हर दम है, वो सदा साथ चलेगा उसका वादा है चलेगा, वो सदा साथ चलेगा उसका वादा है चलेगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो प्यार करो प्यार करो, खुदा से प्यार करो प्यार करो प्यार करो। जय यीशु। यीशु दरबार के आज के कार्यक्रम के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष दी होगी, और टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं आप इस नंबरों पर फ़ोन करके अपने लिए प्रार्थना करा सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष और बरकत दे। जय यीशु। प्रभु मुझे ले चल, प्रभु मुझे ले चल सतगुरु पास, सतगुरु में है आनंद का वास, प्रभु मुझे ले चल सतगुरु पास, सतगुरु में है आनंद।